अच्छा डॉक्टर साहब, प्लीज टेल अस अबाउट योर डिग्रीज, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? आई हैव अ 5-year डिग्री प्रोग्राम इन डॉक्टर ऑफ डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज. उसके बाद आई परस्यूड माय मास्टर्स इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन फ्रॉम लंदन. सो वो क्या ऐसी चीजें हैं कि जिनको नहीं करना चाहिए, जिनकी वजह से जो कैंसर सेल्स हैं वो ट्रिगर करते हैं? इट्स बेसिकली जीन्स जो कि अल्टर हो जाती हैं बॉडी के अंदर, और वो जो जिस सेल में वो जीन अल्टर हो जाती है और वो फिर मल्टीप्लाई होती है, वो बेसिकली कैंसर होता है. और वो आपसे एक बेसिक रूल जानने की कोशिश करता है टू लूज वेट, तो क्या आप उसको गाइडलाइंस क्या देते? तो वेट लॉस इस तरह है कि यू काइंड ऑफ ऐड अ लॉट ऑफ फाइबर इन योर डाइट एंड लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट ले लेते हैं. उसमें प्रोबायोटिक आप रूटीन में जो है अपने योगर्ट में मिला के प्रोबायोटिक सैशे जो मिलते हैं, सैशेज बिल्कुल यू कैन हैव इट. हां, यू नॉट फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा फ्लैजुलेंस और डिस्टर्ब हो जाता है आपका जो है ना स्टमक. तो जब विटामिन डी ज्यादा भी हो जाए तो काइंडली उस पर भी गाइड कर दें कि वो कितनी टॉक्सिक होती है और ज्यादा होने पे भी क्या सिम्टम है. जी, विटामिन डी असल में इसको कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन. फैट सॉल्युबल एज इन आपकी लिवर में जाके स्टोर हो जाती है. देखिए प्रोग्राम चिट चैट विद मुस्तफा शाह इतवार की रात 10 बजे सिर्फ कोहिनूर टीवी पर.